Hey everyone, welcome back again. Vampires Part 2. Thank you so much for the last video, जो कि Vampires Part 1 का था. मतलब boring होने के बाद भी आपने इतना अच्छा respond दिया उसको. Thanks for the views. मैं चाहता हूँ कि इस video पे भी 100 views जाए और 50 likes. ये target है. भाई कर दो यार, कर दो बस. Subscribe करो channel को. जैसे कि मैंने आपको पहले part में बता दिया था कि vampires क्या होते हैं. Introduction हो गया था, वीकनेसेस थोड़ी बहुत बताई थी एंड कहीं ना कहीं मैंने हिंट भी दिया था कि सेकंड पार्ट जो होने वाला है वो कल्चर के ऊपर डिपेंड है. तो वैम्पायर्स किन किन कल्चर्स में क्या क्या उनका नाम है या फिर कैसे वो डिपेक्ट करते हैं एंड ऑल, तो ये सेकंड पार्ट है आपके लिए ना. अगर मेरे टोन पे अगर थोड़ा बहुत अलग लग रहा होगा तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाई ख़त्म करी है. हालांकि 12:31 बज रहा है, आई थिंक इट्स 12:45, तो फॉरगेट दैट ऑल. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि ये कल्चर वाला वीडियो है तो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो टाइप्स ऑफ एम्पायर है, वो अलग बात है. मैंने ना आपके लिए एक बता दूं, आज भरपूर स्क्रिप्ट है भाई. मुझे बीच बीच में यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ना खुद यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करी हुई है, लिखी हुई है बहुत सारी चीज़ें. ये कुछ 4 pages के है भाई, 4 pages के. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट पहले स्टार्ट करते हैं हिंदुइज्म से, हमारे हिंदू धर्म से. तो वैम्पायर्स को बेसिकली पिशाच कहते हैं, ठीक है. हिंदू धर्म में वैम्पायर जो होते हैं उनको पिशाच कहते हैं. फीमेल मेल वर्जन को वैम्पायर पिशाच कहते हैं और जो फेमिनाइन वर्जन रहते हैं उनको पिशाचिनी कहते हैं. अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कर्ण पिशाचिनी को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो कर्ण पिशाचिनी इज नॉट अ वैम्पायर, सी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो वैम्पायर्स, पहली बात तो हिंदू सनातन धर्म में हमारा जो वैम्पायर जो पिशाचों का रेफरेंस है, मैं वैम्पायर्स ना कह के इनको पिशाच ही कहूँगा, तो पिशाचों का जो रेफरेंस है यहाँ पे या फिर जो हमारे कल्चर में या फिर जो हमारे धर्म में जो बताया गया है कि पिशाच होते कैसे हैं. पहली बात, पिशाच बनते कैसे हैं. जो इंसान अपने जीवन भर पूरे बुरे कर्म किया होगा, सिनफुल एक्ट, या फिर उसका अकाल मृत्यु हो गया होगा, या फिर जो लास्ट वीडियो में बताई थी मैंने, अकाल मृत्यु हो गया होगा, या फिर उसका कहीं ना कहीं अननेचुरल डेथ हुई होगी, कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ भी, या फिर किसी द्वारा मतलब लाइक शापित हो गया होगा, तो वो बेसिकली पिशाच योनि में भटक जाते हैं. तो उनको जीवन और मृत्यु के बंधन से नहीं मिलता है, तो वो आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ का जो स्तर है ना वहीं पे वो जूझ जाते हैं. तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 2 प्रकार के प्रमुख पिशाचों का वर्णन है, और इसमें मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ठीक है. तो पहले होते हैं रक्त पिशाच. रक्त पिशाच वो हैं जिनको सिंपल टर्म्स में हम लोग वैम्पायर्स कहते हैं, राइट. पहले बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत बड़ा जाने वाला है, तो प्लीज भाई धैर्य रख लेना. पहले होते हैं रक्त पिशाच जिनको हम लोग सिंपल टर्म में वैम्पायर्स कहते हैं. रक्त पिशाच रक्त पिशाचिनी होते हैं, ठीक है. वो लोग नॉर्मली ह्यूमन ब्लड और फ्लैशेस पे ही जिंदा रहते हैं. नॉट ओनली ह्यूमन ब्लड, वो लोग कभी कभी एनिमल्स का भी हंट करते हैं, और एनिमल्स के साथ साथ वो लोग लाइक एनिमल्स के फ्लैशेस को भी खाते हैं. तो ये हो गए रक्त पिशाच के 2 वर्णन, मेल और फीमेल. रक्त पिशाच रक्त पिशाचिनी. देन होते हैं काम पिशाच. काम पिशाच वो होते हैं जो सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स पे जीते हैं. लाइक आपके साथ वो संभोग करेंगे, सेक्स करेंगे, और आपकी लाइफ फोर्स वो ड्रेन आउट कर लेंगे, या फिर आपके जो सीमेंस होते हैं वो ड्रेन आउट करेंगे. इसमें भी रक्त पिशाच मतलब लाइक काम पिशाच होते हैं, काम पिशाचिनी भी होते हैं, ठीक है. इसके भी 2 तरह होते हैं. ये हो गए सेकेंड टाइम. सेकेंड, एक और भी पिशाच के बारे में या फिर एक वैम्पायर के बारे में उल्लेख मिलता है जिनको कहते हैं चेडीप, CHEDIP, चेडीप. तो चेडीप जो वैम्पायर होती है वो बेसिकली फेमिनाइन होती है, इसका कोई मेल वर्जन नहीं है. लेकिन ये होती ऐसी हैं जो प्रोस्टिट्यूट वुमेंस हैं, या फिर जिन महिलाओं के ऊपर कि जिन नारियों के ऊपर बुरी नज़र कोई रखता है, तो ये बेसिकली वही बन जाते हैं. और कहते हैं कि जो चेडीप होते हैं ना वो एक टाइग्रेस का फॉर्म लेके लोगों को हंट करते हैं, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को हंट करते हैं जो वुमेंस को बुरी नज़र से देखते हैं, या फिर उनके साथ गलत काम किए होंगे, उन्हीं को ही वो हंट करते हैं, दैट्स इट. हिंदू धर्म में एक और भी पिशाच का वर्णन है, लेकिन वो कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ द्वापर युग में इसका मेंशन हुआ है. अगर आप सभी को पता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में,
तो भगवान श्री कृष्ण एक पिशाच से लड़े थे जो कि एक वैम्पायर था जिसका नाम था ब्योमासुर। और वो जो ब्योमासुर था वो लोगों का लाइफ फोर्स को खींच कर सोख कर वो जीता था। तो ये जो ब्योमासुर था ये कंस के द्वारा भेजा गया था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन हमारे कृष्ण तो कृष्ण है, एक मुक्के से ख़त्म कर दिए। तो ये जो लाइफ फोर्स छीनने वाली जो मतलब लाइक वैम्पायर्स होते हैं वो थर्ड पार्ट में इसके बारे में बता दूंगा, इनको बेसिकली बता दूंगा अभी नहीं। तो बेसिकली जो लाइफ फोर्स छीनने वाले जो वैम्पायर्स होते हैं ये चाइना के कल्चर में मेंशनड है, इनको जांगशी कहते हैं, ठीक है बता दूंगा बाद में बताऊंगा। तो हिंदू धर्म में इतने ही वैम्पायर्स के बारे में वर्णन है, एक हो गया रक्त पिशाच, देन हो गया काम पिशाच, दो प्रकार। तीसरे जो है वो है चेड़ी, जो कि नॉर्मली एक लाइक क्या कहते हैं वो जो अंडर एज जो गर्ल होती है ना, जो अनमैरिड गर्ल या फिर यंग गर्ल्स जिनके साथ बुरा हुआ होगा और वो मर गई उसी स्टेट में, वो लोग चेड़ी बन जाते हैं। और वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो सेफ शिफ्ट करके अपने आप को टाइग्रेस बना देती हैं और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ही हंट करती हैं, उन्हीं मेल पर्सन्स को हंट करती हैं जो औरतों की डिसरेस्पेक्ट करते हैं या फिर महिलाओं को बुरी नज़र से देखते हैं, दैट्स इट। देन आते हैं हमारे इस्लाम के ऊपर। इस्लाम के ऊपर जो है घौल, एज यूजुअल जो हमारा पिशाच है घौल भी वही है। घौल एक जिन है। राधिका आप्टे जी ने, राधिका आप्टे मैम ने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज निकाली थी नेटफ्लिक्स पे, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर है तो देख लेना, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, घौल नाम की वेब सीरीज है। और मैं घौल से रिलेटेड एक फियर फाइल्स का एपिसोड भी है वो डाल दूंगा। तो इसमें भी घौल एक जिन है जो कि ह्यूमन ब्लड और फ्लैश खा के जिंदा रहते हैं। कहते हैं कि घौल के लिए कब्र ही उसका घर है और ऐसा कुछ की है, मतलब कब्रिस्तान उसका मस्जिद है और कब्र उसका घर है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो घौल का जो मेल वर्जन है उसको घौल कहते हैं, फीमेल वर्जन को घौला कहते हैं। तो ये हो गया सिंपल टर्म्स। इनका कोई वीकनेस, नॉर्मली जो वीकनेस ऐसा होता है कि इनके ऊपर नमाज की दुआ पढ़ी जाती है या फिर कुरान के कोई कोट्स पढ़ी जाती हैं, तो उसके बाद होली वाटर, जमजम का पानी, पाक का पानी जो कहते हैं, वो छिड़क के उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है या फिर भगा दिया जाता है, सिंपल टर्म्स एज यूजुअल। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, हमारे जो रक्त पिशाच होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है रुद्राक्ष। अगर आपके पास रुद्राक्ष है या फिर रुद्राक्ष की माला है तो रक्त पिशाच आपके करीब कभी नहीं आ सकता। और ये शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है इसका पूरी तरह से। दूसरे में हो गया घौल इस्लामिक। तीसरे में आते हैं रोमानियन। रोमानियन में एक स्ट्रिगोय नाम का एक वैम्पायर है, स्ट्रिगोय, STRIGOY, स्ट्रिगोय। तो बेसिकली स्ट्रिगोय उन लोगों को कहते हैं जो कि अनडेड लोग हो जाते हैं, लाइक ड्रैकुला एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये जो स्ट्रिगोय जो वैम्पायर्स होते हैं ना वो बेसिकली अनमैरिड गर्ल्स या फिर यंग गर्ल्स को ही मतलब लाइक शिकार करते हैं। आपने अगर वैम्पायर्स में ड्रैकुला के बारे में सुना होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जो वैम्पायर्स होते हैं, जो ड्रैकुला के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो ड्रैकुला बेसिकली ब्यूटीफुल वुमेन्स, अनमैरिड वुमेन्स को ही अपना टारगेट बनाता है। तो उसी तरह स्ट्रिगोय में वही जो है वो एक अनडेड वैम्पायर है जो अपने कब्र से जाग चुका है, या फिर कह सकते हो कि वो कब्र से निकल कर लोगों के घर में रात भर घूमता रहता है और वहाँ के सिर्फ अनमैरिड, नॉर्मली तो वो सबका खून पीता ही है लेकिन वो बेसिकली टारगेट करता है अनमैरिड गर्ल्स या फिर यंग गर्ल्स को, उनको सीड्यूस करता है एंड देन उनका लाइफ जो दांत गड़ा के खून पी लेता है। इसकी सबसे बड़ी वीकनेस एक है सनलाइट, दूसरी है गार्लिक और तीसरी है अगर आप वुडन स्टॉक जो रहता है ना, जो आपने देखा होगा मूवीज में कि वैम्पायर्स को लकड़ी, नुकीले लकड़ी या फिर सिल्वर कॉइन्स या फिर सिल्वर से मारते हैं, अगर उनके चेस्ट के आर पार कर दिया जाए तभी जाके ये मरेंगे। फोर्थ में आता है अल्बानिया का स्ट्रिगा। तो स्ट्रिगोय और स्ट्रिगा दोनों अलग हैं। तो अल्बानिया का जो स्ट्रिगा है ये बेसिकली एक ओल्ड वुमेन के रूप में रहती है, या फिर यू कैन से दैट शी वॉज द वैम्पायरिक विच, जो कि नॉर्मली सिर्फ इन्फेंट बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों का ही शिकार करती है, उनका खून पीती है, उनका मांस खाती है, दैट्स इट।
और स्ट्रिगा, हाँ एक और चीज है स्ट्रिगा। अगर स्ट्रिगा नॉर्मली तो वो इन्फेंट बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है, लेकिन स्ट्रिगा का एक खासियत है, अगर स्ट्रिगा किसी को मार देती है, लाइक उसका खून पी के अगर कोई इंसान मर जाता है, उस इंसान को दोबारा रेजरेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कैसे? अगर स्ट्रिगा को सन, मतलब सनराइज से पहले, सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त से पहले अगर उसको पकड़ा जाए, सनराइज से पहले उसको पकड़ा जाए, और अगर उसको फोर्सफुली उसके सलाइवा को उसी जगह पे डाला जाए, उसके मुंह से जो सलाइवा निकलती है अगर उस इंसान को डाला जाए उसके ऊपर, या फिर जिस जगह से वो दांत गड़ाकर खून पी है, अगर उस जो स्ट्रिगा है उसकी सलाइवा को उस इंसान के उस ऊंट पर सनराइज से पहले अगर उसके सलाइवा उस जगह पे गिरता है फोर्सफुली, जब मतलब इतना फोर्स कर दिया जाएगा कि स्ट्रिगा खुद बेबस होके लाचार होके पूरा एकदम अपना सलाइवा डालेगी, तभी जाके वो इंसान जिंदा होगा। और ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा, जब आप स्ट्रिगा को पकड़ो, उसको लाओ और बोलो चल थूक इस पे, जल्दी थूक, तो अपना सलाइवा अगर वो अपनी इच्छा से अपने मन मर्जियां से उस इंसान के ऊंट पर डाले जहां से उसने खून चूसा हो मच्छर की तरह, तब जाके वो इंसान जिंदा होता है। मैंने कहा था ना ये वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। ये हो गया फोर्थ। तो फिफ्थ में आती है हमारे जियांगशी। जियांगशी बोल लो या फिर जियांगशी बोल लो, जैसे कि चाइना में जियांगशी SHI शी या फिर ची काई बोलते हैं उसको, काई एनर्जी, CHI को प्रोनाउंसिएशन काई एनर्जी बोलते हैं या फिर ची एनर्जी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो जियांगसीज होते हैं इनका अपियरेंस ऐसा होता है कि उनके पास बहुत नुकीले दांत होते हैं, नुकीले क्लॉज होते हैं, और उनका जो हेयर है वो पेल कलर का रहता है, पेल हेयर कलर्स रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्योमासुर लाइफ फोर्स खींच कर इंसानों का लाइफ फोर्स, जो हमारी जो एनर्जी होती है, जो लाइफ फोर्स होती है, एक मूवी भी आया है इसके ऊपर, मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको देख लेना। उस वैम्पायर्स में बिल्कुल वैसे ही क्वालिटी है कि वो इंसानों के लाइफ फोर्स को कंज्यूम करके वो जीता है। तो हाँ, तो चलते हैं। जियांगसी, जियांगसीज जो होता है वो अपियरेंस बता दिया आपको। और ये हाँ, एक और होता है कि इन जियांगसीज को ना लाइफ सोर्स खींच कर ही ये सिर्फ जीते हैं, बस दैट्स इट। लेकिन ये जियांगसीज जो होते हैं वो एक बहुत बड़े इविल वैम्पायरिक सोल्स होते हैं। वो किसी भी डेड बॉडीज के अंदर जाके, उसके अंदर घुस के, आपको मतलब जो भी डेड बॉडी होगा, वो जो इंसान मर चुका होगा उसके डेड बॉडी के अंदर घुस के वैम्पायरिक तरह के लाइक विंग्स वगैरह निकाल के, फिर जो भी उसका अपियरेंस है, लॉन्ग क्लॉज, लॉन्ग फैंग्स एंड पेल हेयर्स, पेल स्किन्स, ऐसा रख के वो इंसानों का लाइफ फोर्स खींचता है। लेकिन अब इसका वीकनेस क्या है, इसको हराएं कैसे? जियांगशी का सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि ट्रैप्ड इनसाइड अ सर्कल ऑफ राइस, जो चावल, अभिमंत्रित चावल होते हैं ना, लाइक वहाँ पे जो ओजा रहते हैं या फिर जो भी रहते हैं चाइना के, जो मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, वो एक चावल के सर्कल पे उसको ट्रैप करके अगर उसका गर्दन काट दिया जाए, उसको बिहेड किया जाए, या फिर वुडन स्टॉक से उसके सीने को आर पार कर दिया जाए, तब जाके वो मरेगा। लेकिन इस ये बहुत कम चांसेस है, बिहेडेड होने के बाद, वुडन स्टॉक से पियर्स होने के बाद भी जियांगसीज बच जाते हैं। तो सबसे बेस्ट इनका जो ये है कि उनको पूरी तरह से जला दिया जाए जब तक इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। मतलब ऐसा है कि जिस बॉडी पे वो होगा उस बॉडी को आपको पूरी तरह से जलाना चाहिए जब वो उसके अंदर फंसा हो, ठीक है? उसको चावल में रखो, सर्कल के दाने पे, चावल वाला जो सर्कल है उस पे रखो, स्वाहा कर दो, खत्म करो। सिक्स्थ पे आता है फिलीपींस। फिलीपींस का एक बहुत ही क्रूर और ये बहुत ज्यादा डेमोनिक है भाई। इसका अपियरेंस आई थिंक मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, मैंने कहीं पे इसको निकाला था। तो कहते हैं कि दिस इज द रियल फोटो ऑफ मननंगल, ये फिलीपींस का वैम्पायर है मननंगल।
इसका एक और भी है पननंगल, तो ये है मननंगल। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मननंगल एक ऐसा वैम्पायर है जो आपके साथ इंसान बन के ही रहेगा, लेकिन रात होते ही इसकी जो बॉडी है ना वो दो हिस्सों में अलग हो जाएगी। तो इसका जो अपर पार्ट है उसके विंग्स निकल आएंगे, फैंग्स निकल आएंगे, क्लॉज निकल आएंगे, लंबे लंबे ईयर्स बन जाएंगे। और ये सिर्फ अपने बॉडी का, देखो ये जो अपना बॉडी है ना, यहाँ से मतलब स्टोमक एरिया से उसका जो बॉडी है वो एक बैट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसका सिर्फ स्टोमक तक ही रहेगा, एंड जो नीचे वाला हिस्सा है उसको पननंगल कहते हैं, ऊपर वाला हिस्से को मननंगल कहते हैं। तो जो मननंगल होते हैं ना, ये बेसिकली उन चीज़ों को, उन वुमेन्स को टारगेट करते हैं जो प्रेग्नेंट होंगे। प्रेग्नेंट वुमेन्स को वो टारगेट करके उनके वोम से जो फीटस रहता है उस फीटस को कंज्यूम करते हैं। नॉट ओनली फीटस के ब्लड को कंज्यूम करते हैं, लिटरली उस फीटस को खा लेते हैं। तो ये था मननंगल। पननंगल का जो चीज़ है, पननंगल सिर्फ लोअर पार्ट का रहता है, उसका भी कोई विंग्स निकल आता है। अगर आपको इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये है मननंगल का, आपको पहले दिखा दिया। पननंगल का ये वाला है, अगर आपको ये देखिए, ऐसा है कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें आपको दिखेगा विंग्स निकलते हुए। देन इसका कोई वैसा कुछ है नहीं, ये कहीं पे हंट नहीं कर सकता, जुबान तो है नहीं, खाएगा क्या वो बेचारा। तो अब इसका सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि इसका सबसे बड़ा वीकनेस सेम जैसे स्ट्रीगोय का रहता है, गार्लिक और सनलाइट एंड देन होली वाटर। अगर कहीं पर भी आपको होली वाटर मिल जाता है, कोई भी पवित्र जल चाइना का हो या फिर कहीं का भी हो, तो ये होली वाटर से ही वो मर सकता है। तो ये हो गया फिलीपींस का मननंगल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको आता है जापान का जुकोबो, या फिर जुकोबो कहते हैं इसको, इसको वैम्पायर योकाई भी कहते हैं। अगर आप कोई भी हो यहाँ पे एनिमल लवर हो तो आपको पता चल गया होगा कि योकाई ट्री क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा ट्री है जो सनलाइट में भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका वीकनेस ऐसा है, इसका कोई वीकनेस तो बेसिकली है नहीं, लेकिन ये रात में अपनी ब्रांचेस, ये एक ऐसा ट्री है जो ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन को कंज्यूम करके रहता है। तो ये कुछ ऐसे थे, और इसका कुछ ज़्यादा वीकनेस है नहीं कुछ। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका जो वीकनेस है वो ऐसा है कि अगर इसको पूरी तरह से किसी एन्चेंटमेंट सोर्स से काटा जाए तभी जाके इसकी डेथ होती है एंड ऑल। सो ये था एक प्रॉपर वीडियो, और मैंने इसमें सिर्फ मेन कल्चर्स को ही दर्शाया है। पूरे कल्चर्स को मैंने इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि हर कल्चर में ना यही चीज़ होती है, लेकिन वो अलग अलग नाम से होती है। तो मेन यही था। एक और की पॉइंट भी है, म्यांमार में एक है जिसको काइफेन कहते हैं, या फिर अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा, काइफेन या फिर साइफेन बोलते हैं इसको। ये बेसिकली वो वैम्पायर होते हैं जो डार्क सॉर्सरी या फिर डार्क मैजिक से जन्म लेते हैं, या फिर उसको क्रिएट किया जाता है। दे कैन ओनली बी डिफीटेड बाय द वाइट मैजिक और द वाइट पावर, जिसको हम लोग भगवान की ताकत कहते हैं। तो ये था डिफरेंट कल्चर वैम्पायर्स के बारे में, जहाँ पे वैम्पायर्स को अलग अलग कल्चर में मेंशन किया गया हो। होप यू लाइक द वीडियो, कंटिन्यू अभी तक है, डोंट वरी, थर्ड पार्ट आने वाला है। थर्ड पार्ट के लिए आप सबको वेट करना पड़ेगा। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो का टारगेट है 100 व्यूज 50 लाइक्स, कर दो, आपको करना ही होगा, आपको मेरी कसम। लव यू गाइज, बाय।